हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपोर्टर जी मैं हूँ आपके साथ स्वाति ठाकुर। आज का दिन पूरे देश के लिए बहुत खास है क्योंकि आज है गणतंत्र दिवस और आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हैं जिनको हम आपसे रूबरू करवाएंगे, हम उनके एक्सपीरियंस आपको बताएंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास मेहमानों का। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी लेफ्टिनेंट कमांडर नितिका रॉय से, जो हमारी खास मेहमान है, और साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, थैंक यू स्वाति, थैंक यू वेरी मच। हाय नितिका, थैंक यू स्वाति। हाय सर, जैन जय सर, हिंद जय हिंद। जय हिंद। और सबसे पहले मैं चाहूंगी आप हमारे सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दें और उसके बाद हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे। श्योर, लेडीज फर्स्ट, नितिका प्लीज गो अहेड। तो सारे दर्शकों को 75th रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाइयां। और आ, आ, मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आकर यहाँ पर सारे लोगों को, इंक्लूडिंग महिलाओं को, एड्रेस करने के लिए हूँ। और मैं चाहती हूँ कि महिलाएं पीछे ना रहे, आगे बढ़े और हर दिन को चुनौती के साथ ले। हैप्पी जी रिपब्लिक बिल्कुल डे। सर, आप भी। शुक्रिया स्वाति। सबसे पहले तो मैं इस अच्छे रिपोर्टर जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि रिपोर्टर जी ने मेरे को मौका दिया इनके चैनल पे आने के लिए, और मैं पहली मर्तबा इनके चैनल पे आया हूं। इनके चैनल हालांकि मैं फॉलो करता हूं, बहुत ही अच्छा कंटेंट होता है। और जैसे कि नितिका ने बताया कि भाई मैं भी इनकी तरह पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि हम ऐसा गणतंत्र दिवस हम मनाएं, हर बार मनाएं। मेरे को याद आता है आज से 16 साल पहले जब मैंने सन 2008 में, 26 जनवरी 2008 में, अब कर्तव्य पथ है, तब राजपथ था, उस पे मैंने असम राइफल्स का मार्चिंग दस्ता कमांड किया था और मेरे दोनों पाँव में स्ट्रेस फ्रैक्चर थे। लेकिन फिर भी वो दर्द जो स्ट्रेस कुछ नहीं है, जो जोश आपको कर्तव्य पथ से आके या उस टाइम राजपथ था मिलता है, जो ऑडियंस वहां पे मिलता है, तो मैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। अली सर, हम अक्सर आपको सुनते रहते हैं बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, और आप जब भी बात करते हैं तो आपकी बातें सुन के ही देशभक्ति का एक अलग से जज्बा हम में जाग जाता है। सबसे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप ऑलरेडी, जब राजपथ था और अब कर्तव्य पथ है, आप उस पर ऑलरेडी परेड को आपने संबोधित किया, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, वो फीलिंग कैसी होती है? बड़ा अच्छा सवाल है आपका स्वाति जी। देखिए, जब मेरे को चुना गया, मैं नागालैंड में था उस टाइम पे, और मेरे को मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने मेरे को फोन किया एक दिन, और सिंगल रेडियो सेट था, सिंगल से, हर बार आप कुछ बोलते हो फिर आपको ओवर बोलना पड़ता है ताकि दूसरा वो बटन रिलीज करे। तो उन्होंने पूछा कि अली हाउ योर ड्रिल। अच्छा, और मैं अकेडमी में इसी ड्रिल टेस्ट स्क्वायर में, इसमें मैं बार बार फेल हुआ था इसी टेस्ट में। फर्स्ट अटेम्प्ट फेल, सेकंड अटेम्प्ट फेल, थर्ड अटेम्प्ट फेल, फिर मिड टर्म ब्रेक हुई थी। मिड टर्म ब्रेक में सारे कैडेट्स घर गए थे मगर मेरे को अनुमति नहीं मिली थी, मैं अकेडमी में ही रुका रहा था। मेरे को एक्स्ट्रा ड्रिल दिए गए, मेरे को रिस्ट्रिक्शन दिए गए, पनिशमेंट दिए गए। फिर चौथा अटेम्प्ट अकेडमी खुली, सारे दोस्त लोग, साथी बाहर, घर खाना, पिक्चर विक्चर देख के आए थे, गर्लफ्रेंड से मिल के आए थे, भाई मैं बाहर जा नहीं पाया। और चौथे अटेम्प्ट में फेल, पांचवें अटेम्प्ट में फेल, छठे अटेम्प्ट में फेल। फिर उसके बाद फिर एक लाइन यार्ड मिलता है, लाइन यार्ड से आप बाहर लिबर्टी में जा सकते हैं घूमने के लिए। तो उसमें भी तो मेरा कमांडेंट से मैचअप हुआ, तो कमांडेंट ने पूछा भाई क्या बात है, तुम मार्चिंग में बार बार फेल क्यों हो रहे हो, हमारे साथ सब्जेक्ट में पास हो रहे हो। मैंने कहा सर, जब मैं अकेडमी में ट्रेनिंग करने आया था, मेरे फादर भी आर्मी में है, तो मेरे फादर जो कि जब जनरल साहब थे, उन्होंने बताया था कि भाई बेटा तुम अकेडमी में अच्छा करना, और सबसे जरूरी बात याद रखना कि तुम अपनी परफॉर्मेंस को बस कंसिस्टेंट रखना, बस केवल। तो मैंने कहा सर बस मैं वो भी जनरल साहब है, उनकी मैं एडवाइस फॉलो कर रहा हूँ। तो खूब हंसे वो, और आप यकीन नहीं मानेंगे स्वाति जी, मैं पासिंग आउट परेड होती है, वो नितिका जानती है अच्छे से, पासिंग आउट परेड, मैं पासिंग आउट परेड में अपने कोर्स के साथ शरीक नहीं हो पाया था। आप यकीन मानेंगे, आप मेरे को शरीक नहीं किया गया था। और 1987 में मेरी सिस्टर का सिलेक्शन हुआ था अपने स्कूल से 26 जनवरी की झांकी में जाने का। मेरे एक अंकल है, हमारा फौजी खानदान है पूरा, तो मेरे एक अंकल हैं वो आर्मर्ड कोर से हैं, उन्होंने आर्मर्ड कोर कंटेंजेंट उस टाइम टाइम पे कमांड किया था राजपथ पे, और तब से वो मेरे सपना में, दिमाग में था। और एकेडमी में मैं उसी टेस्ट में बार बार फेल होता आया हूं। लेकिन जब मेरा सिलेक्शन हुआ, जब मेरे सीओ ने फोन किया तुम्हारी ड्रिल कैसी है,
को बड़ी शर्म आई उनको बोलने के लिए कि सर मैं अकेडमी में बार बार इसी टेस्ट में फेल हुआ था, लेकिन मैंने कहा मैं ऐसे झूठ बोल दिया, हाँ सर अच्छी है अच्छी है। अब अच्छी है या नहीं वो मैं नहीं जानता था, मगर मैं सिलेक्शन के लिए गया। जब मैं सिलेक्शन के लिए गया तो मैं देखा कि 25 ऑफिसर कम से कम, एक से एक धुरंधर ऑफिसर, तोप ऑफिसर, हाई प्रोफाइल, मिलिट्री बेयरिंग, गुड वर्ड ऑफ कमांड, बहुत ही ड्रिल, एक साथ लाइन में खड़े हुए थे। उनको देख के मैं थोड़ा घबरा गया, मगर 25 में से 10, 10 में से 5, 5 में से 3 और 3 में से 2 ऑफिसर का सिलेक्शन हुआ। मैं दूसरे नंबर पे था, कैप्टन सूद साहब नंबर 1 थे, वो परेड कमांडर थे, मगर कैप्टन सूद साहब बीमार पड़ गए थे, तो मैं एज एन एडम ऑफिसर मैं परेड कमांडर में शरीक हुआ। फिर मैंने बहुत मेहनत की, जी तोड़ मेहनत की, और मेरे दोनों पाँव में फ्रैक्चर थे, और आपने देखा वो वीडियो अभी भी यूट्यूब पे है, वो आपने भी देखा है, नितिका ने भी देखा है, और बहुत लोगों ने देखा है। तो मेरे को बहुत गर्व महसूस होता है जब मैं कर्तव्य पथ पे, तब राजपथ था पे, मैं शेर की तरह धाड़ा और राष्ट्रपति को सलामी दी मैंने। जी बिल्कुल, हमने वो वीडियो देखा और इसीलिए ये सवाल जानने का बहुत मन किया कि आखिर वो एक्सपीरियंस कैसा था। और जिस तरह से आपने बताया मुझे सच में बहुत गूज बम्स आ गए हैं। नितिका जी, आपसे सवाल है क्योंकि इस बार का गणतंत्र दिवस महिलाओं के लिए बहुत विशेष है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सेना में जब आप एज अ महिला ऑफिसर जब आप जाती हैं, क्या जज्बा क्या जुनून रहता है? तो मैं तो सेना में आई कॉट कमीशन 2010 में, तो सर तो 2008 में ऑलरेडी रिपब्लिक डे परेड में ऑलरेडी हो मार्च वगैरह हो चुके थे, बट आई गॉट कमीशन 2010। बट तब और अब में बहुत फर्क है। अब तब के टाइम पे मैंने जब इंडक्ट हुई तब बहुत कम महिला ऑप्ट करती थी, और अब जो है क्योंकि नाउ वी आर टॉकिंग मच अबाउट महिला नारी शक्ति, और काफी हम महिलाओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और वो काफी उनको उनके ऊपर काफी फोकस कर रहे हैं। और यही नहीं, फौज के सेक्टर में, डिफेंस फोर्सेस के अलावा भी हर जगह हम महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। और तब 2010 की बात है, मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी और न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था, तो मेरे फादर थे तो उनका SSB क्लियर नहीं हुआ था। तो ये होता है कि पिताजी और मातुश्री का अगर क्लियर ना हो तो चाहते हैं बच्चा वो करे। और माई अंकल वॉज इन ऑल्सो इन पूनाज हाउस, ही वॉज इन आर्मर्ड कोर, एंड वन मोर अंकल वॉज इन 11 इंजीनियर्स रेजिमेंट, बट लेडी ऑफिसर कोई नहीं थी घर से। ये बिल्कुल रियल अंकल्स थे, तो बट लेडी ऑफिसर वॉज इन देयर। तो उन्होंने कहा था कि चलो भाई MBA में, जब जब आई वॉज डूइंग MBA तो सबकी प्लेसमेंट हो रही थी, मेरी प्लेसमेंट ही नहीं हो रही। प्लेसमेंट नहीं हो रही तो उन्होंने कहा क्या करें क्या करें, आर्टिकल देखा, बोले चलो यहाँ अप्लाई करवा देते हैं। हाँ सर, मैंने अप्लाई करा, उसके बाद वो शॉर्टलिस्टिंग हुई डिपेंडिंग अपॉन स्वाति BCA के ग्रेजुएशन परसेंटेज से हो गई। उसके बाद SSB दिया, जाकर फर्स्ट डे स्क्रीनिंग, उसके बाद वो हम लोग का 6-7 दिन का होता है पूरा हुआ। मेडिकल के लिए +5 जैसे ही मिल जाता है तो ऐसा लगता है अब ऑफिसर बन गए, वो अपने पास जो ना रिकमेंडेड बैच आ जाता है आगे। तो तब मेरे फादर के दिमाग में ये आई कि ये तो ऑफिसर बन गई, अब इसकी शादी कैसे होगी। यू नो ही वॉज एंड आई वॉज 22, ही वॉज थिंकिंग अहेड, यू नो एज अ पेरेंट ही वॉज, वो इतने आगे सोच रहे थे। पर उन्होंने कहा यार अब आप देखो कि कैसे आगे चल के फ्यूचर में मैं कैसे लड़का ढूंढूंगा, एंड विच वॉज वेरी लॉजिकल, हम भी अपने बच्चों के लिए कि एज अ लेडीज, इफ शी इज एन आर्मी ऑफिसर, नेवी और एयरफोर्स, हाउ विल आई गेट अ ग्रूम, एंड देन ही सॉ अदर लेडी ऑफिसर्स एज वेल। तो मैं अपनी उत्तर प्रदेश में, मैं अकेली थी, टोटल 8 लोग सिलेक्ट हुए थे 250 में से फाइनली, तो मैं सिर्फ 8 में से मैं अकेली यहाँ उत्तर प्रदेश की थी। तो एक वो गर्व का मतलब बात थी, और दूसरा ये था कि माय पेरेंट सपोर्ट वाज टू मच देयर, ही से दे उन्होंने बोला कि तुम जाओ, एंड दे वाज मतलब आंखों में आंसू थे। पर जब हम ट्रेन दिल्ली से एडिमला गई जहाँ हमारा नेवल एकेडमी है, तो उस समय लग रहा था कि हाँ ये कर लेगी, जब मतलब कुछ सोच के ही फौज ने लिया है, क्योंकि फौज जो है दे डोंट टेक मंकीज, दे टेक नॉर्मल पीपल एंड देन दे ट्रेन देम, बट यू हैव टू बी यू नो, इज इट इट सर, है सर? तो एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली या आपको हर चीज में फर्स्ट नहीं आना है, यू हैव टू बी एवरेज, यानी कि हर चीज पास कर देनी है। सो दैट्स वो दूसरा टॉपिक है। बट उस टाइम पे मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ, और मैं आज तक बहुत ही मतलब गर्व के साथ कह सकती हूँ कि 11 साल मैंने जो हर दिन रोटी कमाई है उसकी रिस्पेक्ट मैं अभी भी करती हूँ।
अब मैं कॉर्पोरेट में हूँ, बट हाँ मेरे को एक वे ऑफ लाइफ दिए नेवी ने, और जो यू कैन नॉट कंपेयर, आप कंपेयर नहीं कर सकते। अगर कोई भी महिला पर्सपेक्टिव, हम कहते हैं ऑफिसर्स, हम कहते नहीं है महिला भी देते कि यू नो मेल ऑफिसर और फीमेल, वी टॉक अबाउट एज ऑफिसर्स, हम उनको ऑफिसर्स एड्रेस करते हैं। तो मैं अभी भी चाहूंगी और सबको बोलूंगी कि ऐसे भी आप देकर आइए, हो या ना हो, बट क्या एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, वो दैट इज नॉट कंपेरेबल। अगर यहाँ नहीं होगा तो कहीं और होगा, बट अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। स्टिल आई मिस, आई मीन आई विल से, बिकॉज वो एक मतलब खून में आ गई है बात, वो तो रहेगी भाई, 11 साल हो गए। जी बिल्कुल अली सर, मेरा आपसे एक सवाल रहेगा। देखिए अभी जब हम यंग हैं और सभी जो हैं, जो भी यंगस्टर्स हैं, इस एज में बहुत मस्तीखोर होते हैं, ठीक है। आप जब सेना में जब गए, क्या आप भी थोड़े मस्तीखोर थे, और क्या क्या अनुशासन आपने सेना से सीखी है, किस तरह से आपकी लाइफ बदली है? नीतिका जी, फिर मैं आपके पास भी आ रही हूँ। पहली बात तो स्वाति, शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने भी मेरे को अपने आप साथ में यंग में शामिल किया। मेरे को बड़ी खुशी हुई गई, थैंक यू भाई, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। एंड मेरे में एक चीज है कि जोश बहुत था, तब भी था और अब भी है। अब आप सोचिए, अब मैं अपने mid-40s में हूं, अभी भी मेरे में ये जोश है। तो आप सोचिए, आज से 20 साल पहले जब मैं सन 2003 में इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे था, केवल 30 मीटर के फासले पे पाकिस्तान की पोस्ट, वहां पे 30 मीटर हमारे से दूर, और यहाँ पे मैं, ठीक है, तब क्या जोश होता होगा। आप सोचिए, वो सोचिए, आप उस उम्र में बिल्कुल, मैं आपकी बातों से मैं समझ पा रही हूँ, बिल्कुल। तो लेवल उस टाइम पे जोश अलग का था। आप सोचिए, बंदे को दोनों पाओं में, हमें एक उंगली जाती जाती है, हम बैठ जाते हैं, बच्चे एग्जाम नहीं हाँ देते बच्चे, है मेरे एक पाँव नहीं, दोनों पाँव में फ्रैक्चर, नहीं स्ट्रेस फ्रैक्चर, जो और खतरनाक होता है, ठीक है ना, वो थे। लेकिन फिर भी मैं, आप वो 28 सेकंड का वीडियो यूट्यूब पे देख सकते हैं आप, मैं दहाड़ा राष्ट्रपति के आगे बिल्कुल, और जो जोश, जो जज्बा। अच्छा, राजपथ क्लियर करने के बाद अब क्या हुआ ना स्वाति जी, कोई कैमरा नहीं थे, कोई ऑडियंस नहीं थे, कोई मीडिया नहीं थी, कोई आपको देख नहीं रहा है। आपने तो इंडिया गेट से आप बाय मुड़ गए लाल किले की तरफ। लेकिन अगर मैं चाहता तो मैं एम्बुलेंस में आराम से सिक रिपोर्ट डाल के आ जाता, या एक वाइट जिप्सी थी मेरी कंपनी कमांडर की, उसमें बैठ के आ जाता, या आराम से टहल के आता मैं, ठीक है। लेकिन मैंने कदम ऊपर जमाए और डिगन हील रखे बिल्कुल अंतिम दम दम तक। क्यों? क्योंकि अगर कोई नहीं देखा था, कोई बात नहीं। दो चीजें, पहली बात इंटीग्रिटी, ये निकिता नितिका आपको बताएगी कि इंटीग्रिटी क्या होती है। ये होती है बींग ऑनेस्ट टू योर ओन सेल्फ एंड नो वन इज वॉचिंग यू। ये हमने फौज में बहुत सीखी। दूसरी बात, और चलो खैर, मैं तो इंटीग्रिटी की बात भी नहीं करता, मैं कहता हूं अगर आपको कोई नहीं देख रहा है, आपके पीछे आपके जवान हैं, योर ट्रूप्स आर बिहाइंड यू, वो तो आपको देख रहे हैं, वो तो अपने साहब को देख रहे हैं, अपने लीडर को देख रहे हैं, अपने परेड कमांडर को देख रहे हैं, अपने कंटिजेंट कमांडर को देख रहे हैं। तो मैंने कदम जा डिग हील रखे बिल्कुल आखिरी दम तक। अब क्या हुआ, जब हम लाल किले पहुंचे, वहां पे मैं शवाच्युत हो गया बिल्कुल, क्योंकि दर्द बहुत था ना, और मैं पेन किलर्स पे कर रहा था, और मेन पेन किलर था यहाँ पे मेरे जहन में कि दर्द नहीं होने होना है, कुछ भी हो। उसके बाद उसी दिन मेरी मंगनी होनी थी 26 जनवरी को 2008 को, लेकिन वो उस दिन नहीं हो पाई, वो अलग बात रही, उसके बाद में हुई। मगर मेरे को बहुत गर्व है इस बात का, बहुत फक्र है कि मैंने, वो एक गोल्डन मोमेंट था जिंदगी का। और आपको एक और मजेदार बताता हूं मैं आपको। उसी साल, क्योंकि नितिका नेवी से हैं, तो मैं नेवी की रिलेटेड बात आता हूँ। बड़ी अच्छी बात है कि हमारे साथ एक नेवी का कंटेजेंट था, जहां पे परेड कमांडर, जो नेवी की कंटेजेंट कमांडर थे, वो तो थे ही थे, जो कंटेजेंट ट्वाइस ही थी, वो महिला थी। जैसे कि नितिका ने बताया कि हम कभी मेल ऑफिसर या फीमेल ऑफिसर नहीं देखते, हम ऑफिसर ऑफिसर होता है भाई, है ना। वो, क्योंकि आपने महिला की बात की थी ना, तो वो महिला थी। और कमांडर गौरी मिश्रा उनका नाम है, अभी भी मैं टच में हूं उनसे, और हमने टीवी पे कुछ पैनल्स पे भी हमने साथ में बोला है। तो गौरी नेवी का कंटेजेंट की ट्वाइसी थी, और मैं वहां पे असम राइफल्स का परेड कमांडर था, कंटेजेंट कमांडर। तो मतलब जो तालमेल था हमारा, जबरदस्त तरीके से। हमारे आगे BSF की का कंटेजेंट था, और BSF पे ऊंट थे। ऊंट जब चलते हैं, आप समझ गई कि वो कर्तव्य पथ, राजपथ था, उस पे गंदगी करेंगे, स्मेल भी आएगी,
और लोग होते होंगे कि भाई उनके वो ड्रॉपिंग उठाते हुए चले हो और हमको मार्च करना है उसी में से ही। अगर उन्होंने किसी ने ड्रॉपिंग ठीक क्लियर करना चूक गया तो हमारा सीधा बूट उसमें घुसेगा, हाँ और बूट में होते हैं 13 नाल ड्रिल बूट में, और वो जब आप मारते हैं तो उसे और एक करंट, एक और जोश, एक और एक उमंग निकलती है। तो उस टाइप का आप कल अभी बल्कि हम देखेंगे। और ऊपर से एयरफोर्स की फॉर्मेशन होती है ऊपर से डायमंड फॉर्मेशन, स्पीयर फॉर्मेशन, अलग अलग फॉर्मेशन में हम देखते हैं एयरफोर्स ज्यादा होता है। आप सोचिए जो कोऑर्डिनेशन एक स्प्लिट सेकंड का, अगर आसमान में एक स्प्लिट सेकंड से आप गड़बड़ा जाए तो क्या हो जाएगा भैया, डिजास्टर इन मिड एयर। खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड ऐसा कहीं पे हो कहीं पे आपको। मैं इसीलिए एक फौजी आदमी, आप एक वक्त का बहुत पाबंद होता है, हर एक एक मिली सेकेंड को हिसाब से गिन के चलता है वो। जी बिल्कुल, बहुत ही मैं कह रही हूँ कि दिल छू लेने वाले आपके एक्सपीरियंसेस हम सुन रहे हैं। नितिका जी, देखिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमारे समाज में ना महिलाओं को बड़ा कोमल समझा जाता है, लेकिन जब हम आपके जैसे ऑफिसर्स के साथ मिलते हैं तो वो पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है कि नहीं, महिलाओं का एक ये वाला रूप भी है जो बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रांग है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि उन लोगों को आपके थ्रू क्या मैसेज जाएगा जो लोग ये समझते हैं कि महिलाएं बहुत कोमल हैं, उन्हें घर से बाहर नहीं भेजना, या जिसके भी दिमाग में इस तरह की बातें आती हैं। इससे देखिए, पहले महिलाएं एक कोमल मिनट, नहीं। इससे पहले जितने का कुछ जी बोले हैं, मैं बताऊं ये बहुत बहादुर ऑफिसर ऑफिसर है, बहुत बहादुर ऑफिसर में से एक है ये। और इन्होंने क्योंकि शुरुआत में कही थी ना कि सबसे पहले इनके इनके फादर की माइंड में आता है बेटी की शादी कहाँ पे होगी। शी हैज गॉट द बेस्ट ग्रूम, जो कि खुद एक आर्मी ऑफिसर है और खुद मेरी मेरी रेजिमेंट से ही आए हैं, बाय बाय द वे, रेमिनो वाटलरी से। और आज मणिपुर में इनका तबादला भी हुआ था, और ये ही एक नेवल ऑफिसर है, बल्कि जो मैं तजुर्ब हुआ एक नेवल ऑफिसर मणिपुर में जाके रह के ही तजुर्बा क्या था आपको, कुछ एक महीने वहां पे हाँ काट के। इनका मैंने बिल्कुल। इंटरव्यू भी देखिए, लिया ये मणिपुर हमें के नई ऊपर। बात पता चली अली सर से, तो ये तो हम जरूर आपसे जानना चाहेंगे आपका मणिपुर का पूरा एक्सपीरियंस। लेकिन उससे पहले बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल सा महिलाओं के लिए, और अली सर आपसे इसके बाद मेरा एक सवाल रहेगा कि आप जब इस तरह की नितिका जी जैसी महिला ऑफिसर्स को देखते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? पर पहले नितिका जी। हाँ, देखिए देखिए, महिला कोमल नहीं है। कोमल तो आप सोचिए ही मत कि कोमल वर्ड लगे। कोमल कुछ जगहों पे है जहाँ होना चाहिए, है ना, जहाँ होना चाहिए वहां कोमल है, जहाँ नहीं होना चाहिए वहां नहीं है कोमल। मौका दीजिए, नहीं मिल रहा तो इस बार मौका लेंगी, है ना। तो जहाँ हमें कोमल होना चाहिए वो हमारी क्वालिटी है। मैं अपने बच्चे के साथ जैसे कोमल हो सकती हूँ, वो हस्बैंड किसी और तरीके से हो सकते हैं, फादर किसी और तरीके से हो सकते हैं, मदर की फीलिंग वो कोमल नहीं है, ठीक है, उसको आप वो में समझिए, दैट्स द वे। और जहां मैं स्ट्रांग हो सकती हूँ अपने बच्चे के लिए एज अ मदर, उस तरीके से देखिए, तो वो अलग स्ट्रांगनेस है, वो भी कोई कंपेयर नहीं कर सकता। तो पहली बात तो कंपैरिजन छोड़ दिया जाए, महिला को स्टीरियोटाइपिंग माइंडसेट से ना देखा जाए कि ये कोमल है। तो ये अब हल्के हल्के चेंज हो रहा है, क्योंकि महिला ही चेंज करेंगी भाई, है ना। ये काम जो है महिला ही को करना है, महिला ही कोमल लाई है, महिलाओं को ही कोमल हटाना है। नंबर वन, वो कैसे हटाएंगे? आप उन उन चीजों पे जाएंगी, आप खुद जाएंगी, बैठे बैठे घर में सोचें कि हाँ हम कोमल नहीं है, हम कोमल नहीं है, नहीं हो पाए। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज है, काफी कुछ, अब आप देखें अपने देश में काफी चीजें हैं जिसमें महिला ऑप्ट कर सकती है। प्लीज आपका नाक खुले रखिए, और एज अ रैशनल थिंकर, नॉट एज अ इमोशनल, इमोशनल को साइड रखिए, वही यूज करिए जहाँ रिक्वायरमेंट है, बट एज अ रैशनल थिंकर आप उन चीजों पे पिचन करिए जहां आप चाहते हैं। अगर आपको दौड़ना है, आप दौड़ना शुरू करिए, 2-2 किलोमीटर दौड़ के आइए। अपने आप को ही कंपेयर अपने आप से करिए, दूसरा बंदा पे आप कहने लगेगा हाँ ये कोमल नहीं है। उन चीजों में पुट इन करिए जहां पर आपकी कोमलता को लोग अलग तरीके से देखते हैं, पॉजिटिव तरीके से देखते हैं, है ना। कोमलता इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड, इट्स अ ब्यूटिफुल वर्ड, वेरी ब्यूटिफुल वर्ड। ऐसा नहीं है कि कोमल इज अ नेगेटिव वर्ड। अभी मैंने एक पोस्ट देखा था लिंक्डइन पे कि आप अपने नाम को फर्स्ट लेटर चूज करिए और कोई पॉजिटिव वर्ड लिखिए। मैंने लिखा नो, तो मैंने कहा नो सबके लिए नेगेटिव है, बट नो बहुत पॉजिटिव है अगर सही से यूज करा जाए। तो आप समझ रहे हैं, ना एन से तो काफी पॉजिटिव वर्ड्स हैं, है ना। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप महिला की बात करें, और अब आजकल देखें, आजकल तो बहुत बढ़िया कर रही है महिला, और
पुरानी महिला देखी, इंदिरा नूयी को देखिए, वो तो कब के जमाने की है। अभी उनकी आप मैं आप किताब पढ़ रही थी, उनकी मेरे बायोग्राफी अल्मा पढ़ मैटर रही से थी, है, तो मेरे अल्मा मैटर से है, आई एम कलकत्ता से, ओ आई एम वाओ, न्यूकास्ट। ओ वाओ सर। तो आई वाज जस्ट रीडिंग, तो वर्क लाइफ बैलेंस ऑसम है, इसका मतलब ये थोड़ा ना 12 घंटे काम करिए, डिवाइड करिए अपनी दिनचर्या को, काम तो सबके पास है, ठीक है। बट ये आप तरीके से सोचिए, और मैं इसमें ये भी कहना चाहूंगी, जोश सबके पास है। जब भी हम फौज में लेते हैं 19 से 22 साल, कैच द यंग माइंड, ट्रेन करो, कड़क बनाओ अपने बच्चे को बचपन से, अगर आप तेज बनाओगे तभी, ये नहीं कि 30 साल का हो गया बोले आप करो, फिर नहीं हो पाएगा। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कोमल वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, प्लीज लगाइए, और जहां लगाना है वहां लगाइए, है ना, नहीं तो हार्ड, तो मतलब बहुत टफ है सर। बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है ये सोसाइटी के लिए आपकी तरफ से नितिका जी, बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस मैसेज को समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अली सर, जब आप नितिका जी जैसे ऑफिसर से बात करते हैं, आप जब इनको अपने सामने खड़ा होके देखते हैं, या आपने जरूर देखा भी होगा, वो एक्सपीरियंस कैसा होता है कि एक महिला इतनी मजबूती से जब हमारे सामने खड़ी है, आपका बड़ा अच्छा सवाल क्योंकि है, देखिए आज का गणतंत्र दिवस महिलाओं के लिए स्पेशल है, इसलिए नितिका जी का तो हमारे साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए क्योंकि नितिका जी फिर से नेवी से हैं, तो दोबारा मैं आपको बताता हूँ एक हल्का सा एनेक्डोट। एक और मेरी दोस्त हैं, वो भी नेवी में हैं, कमांडर संध्या चौहान। इन्होंने भी 2015 में नेवी का कंटेजेंट कमांड किया था, जब बैरक ओबामा जब हिंदुस्तान आए थे उस टाइम पे। तो लेडी ऑफिसर्स के साथ जब हम, पहली बात तो फौज में शिविलरी बहुत सिखाई जाती है कि एनी लेडी फॉर दैट मैटर यू हैव टू बी अ जेंटलमैन। तभी जब हम अकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, कैडेट से हम ग्रेजुएट होते हैं टू बिकम अ जेंटलमैन कैडेट, तभी हम जीसी कहलाते हैं, जेंटलमैन कैडेट, ठीक है। अच्छा, मेरे जो कमांडिंग ऑफिसर थे, या अगर नितिका जी फर्ज करिए फौज में, आर्मी में होती, नेवी में, हम एक ही बटालियन में होते हैं और एक ही कंपनी में होते हैं, मेरे कमांडिंग ऑफिसर कभी ऐसे नहीं देखते कि ये मेजर शाह है और ये लेफ्टिनेंट कमांडर राय है, ये नितिका है, ये अली है ना। वो देखते हैं या ना, रैंक देखते, काम कौन बेहतर कर सकता है। हो सकता है कि जो कि नितिका मेरे से बेहतर कुछ काम कर ले, तो वो इनको ही वो काम सौंपेंगे। हो सकता है इनसे बेहतर कुछ और काम मैं कर लूं, तो वो काम वो मेरे को संभालेंगे। तो इस तरीके से हम कभी नहीं देखते ऐसा, बल्कि मजे की बात यह है, जो महिला ऑफिसर, जो महिला, हम ऑफिसर वर्ड इस मामले से करते नहीं है, हम भी ऑफिसर ऑफिसर होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे सिविलियन दर्शकों को समझने के लिए मैं ही कह रहा हूँ। तो उनको भी लोग कहते हैं, जब जवान जब सैल्यूट मारते हैं, जय हिंद साहब, उनको साहब बोला जाता है, तो उनको मेम साहब नहीं बोलते, उनको साहब बोलते हैं, उनको कई बार तो मैडम भी नहीं बिल्कुल, बोलते, कई बार तो सर बोलते हैं, पता एग्जैक्टली नहीं क्या हाँ बताएंगे कि इन्होंने हाँ उनको पूरा कहना एक्सपीरियंस है, पूरा या एक्सपीरियंस है। या। तो बेसिकली एंड ये बखूबी जो काम करके दिखाते हैं, वाकई में काबिल तारीफ है, रियली आई मीन इट्स आउटस्टैंडिंग। और जिस तरीके की ट्रेनिंग इनकी होती है ना, मतलब इट इज, अरे ट्रेनिंग, अच्छा फौज की ट्रेनिंग के बारे में बताता हूँ आपको हल्का सा कुछ। फौज की ट्रेनिंग ऐसी होती है, जैसे जितना कोई भी सिविलियन ने सुना होगा कि ऐसी डरावनी होती है वैसी डरावनी होती है, गलत सुना है, ऐसा नहीं होता, जितना सुना है उससे कहीं ज्यादा डरावनी होती है, ठीक है। ये बहुत वो है कि बहुत ज्यादा खतरनाक, बहुत ड्राम, बिल्कुल इस पे प्लीज बात कीजिए। तो जितना सुना होगा उससे कहीं ज्यादा और आगे कठोर होती है, ऐसी बात और होनी भी चाहिए, क्यों ना हो, बिकॉज दे मेक मैन आउट ऑफ बॉयज। आपको एक जंग से ज्यादा मुश्किल परिस्थिति स्थिति के लिए आपको तैयार किया जाता है, आपको वहां पे मोल्ड किया जाता है, और आपकी ताकत ये वाली ताकत नहीं, ये वाली ताकत जहनी तौर पे आप कितना अपने आप को इंड्योर कर पाते हैं। और ये मेंटली टफ लेडीज में ये क्वालिटी बहुत है, वो मेंटली बहुत टफ होती हैं भाई। हम अगर 30-35 केजी का वजन उठा के 8 घंटा पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, 40 किलोमीटर की रूट मार्च कर रहे हैं, हो सकता है वो फिजिकल स्ट्रेंथ हो सकता है ना हो, कोई बात नहीं, मगर जो मेंटल स्ट्रेंथ इनमें होती है, नेवर टू गिव अप, नेवर टू ऑलवेज, नेवर से डाई भाई। मैं ऐसे ऐसे ऑफिसरों को जानता हूं जो कारगिल के दौरान महिलाएं अपने बच्चे को पीठ पे बांध के सरहद की पेट्रोलिंग किए हैं उन्होंने। हम सबने देखी है वो गुंजन सक्सेना फिल्म, देखी है लोगों ने, उसमें वो महिला ऑफिसर थी, वो हेलीकॉप्टर में आती हैं, ठीक है। तो बेसिकली आई वुड से इनके लिए बस रिस्पेक्ट है,
और कुछ नहीं है, मतलब इतना अच्छा अव्वल दर्जे का काम करती है। आपने भी अव्वल दर्जे का काम किया मगर आपका म्यूट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं, वो क्योंकि कंट्रोल हो सकता है कि हाँ जी, अच्छा, मेरा क्योंकि हमारे पास वक्त की थोड़ी सी यहाँ पर कमी है, लेकिन नितिका जी, मैं आपसे आज गणतंत्र दिवस के मौके पर हमारी ऑडियंस के लिए कुछ ऐसा संदेश चाहती हूँ जो आप पूरी जनता को दें, पूरे हिंदुस्तान को दें हमारे चैनल की तरफ से। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को और इंडिया के सभी लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप अपने आप से काफी प्राउड फील करें, इन द सेंस हर एक इंसान इररिप्लेसिबल है, इररिप्लेसिबल, यू आर यूनिक, ठीक है, पहले तो ये सोचें। और इंडिया एक ऐसी जगह है जो मैं, अगर अभी भी मुझसे कह दिया जाए कोई ऑन साइट चले जाओ तो मैं जाकर वापस आ जाऊं, ठीक है। और अब बहुत ही खूबसूरत हो गया है क्योंकि हमारा देखने का नजरिया, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज इतनी है। अभी हम डेवलपिंग नेशन की बात कर रहे हैं, किसी दिन हम गणतंत्र दिवस बनाएंगे जिसमें हम बोलेंगे वी आर अ डेवलप्ड कंट्री, है ना। हम वहां देख रहे हैं, वी आर एमिंग एट 5 ट्रिलियन इकोनॉमी सर इन यस फ्यूचर, इजंट इट। तो आप सोच रहे हैं हाउ कितना फ्यूचरिस्टिक वी आर प्लानिंग। तो मैं चाहती हूँ हर इंसान अपना भी फ्यूचर प्लान करे, शॉर्ट टर्म गोल बनाए दिन के हिसाब से और एक लॉन्ग टर्म गोल बनाए उसी हिसाब से, और अपने दिन और अपने महीनों की, हम बोलते हैं ना न्यू ईयर रेजोल्यूशन, नहीं भाई दिन का रेजोल्यूशन लीजिए। आई ऑलवेज टेक अ डे बाय डे, डे बाय डे। फौज में भी हमें ना पीओपी वाले दिन दिखा दिया जाता था, फिर हर दिन को क्रॉस क्रॉस कैलेंडर पे करते थे। तो मैं सारे नहीं सर तो मैं सारे अपने मेरे सारे प्रिंसिपल्स वहीं से रिलेट होते हैं। मैं जो इन्होंने बोला ना कि ये क्रॉस क्रॉस कैलेंडर पे, बिल्कुल सही बोला है। जैसे कि होता है ना कि कोई इंसान कहीं पे दिन काट रहा होता है ना कि इतने दिन ऑफिसर बनने के लिए है, इतने दिन इतना टफ होता था, आप एक सोचो एक दिन इतना हम टफ होकर आप काट 11 साल बाद वो बात कर रहे हो, तो यानी आपका हर दिन ऐसा होना चाहिए ना जहां पर बोलो भाई 11 साल बाद कि मजा आ गया। ओके सो जी दैट्स बिल्कुल, माय और मैसेज। आपकी बातों से भी लग रहा है कि आपने अपनी जर्नी को कितना एंजॉय किया, और आप आज भी उसी में लगती हैं, आप आज भी वो याद करके भी कितना एंजॉय कर रही हैं। और बिल्कुल सही बिल्कुल बात कही आपने कि इंसान को हर दिन एक नया रेजोल्यूशन खुद के लिए लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अली साहब आपके पास आएंगे, आपकी तरफ से आज स्पेशल रिपब्लिक डे पर हमारी ऑडियंस के लिए क्या संदेश है? सबसे पहले तो मैं हमारे ऑडियंस को ये कहूंगा कि भाई एकता में ही ताकत है, ये मुट्ठियां हैं, ये हाथ है, ये 5 उंगलियां हैं, ठीक है, और हर उंगली बराबर नहीं होती है। जब हम मुट्ठी कसेंगे ताकत ताकत आएगी, जोश आएगा, जुनून होएगा, हम एक मुक्का तब मार सकते हैं दुश्मन को कहीं पे भी। तो अब देखिए, बात हमने की कि ऑफिसर्स, लेडी ऑफिसर, चाहे एनसीओज हों, चाहे जेसीओज हों, चाहे ऑफिसर्स हों, चाहे जनरल साहब हों, चाहे लेफ्टिनेंट साहब हों, चाहे गनर हो, चाहे सिपाही हो, भाई है वर्दी वाले फौजी, चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, चाहे पैरामिलिट्री क्यों ना हो, क्योंकि मैं पैरामिलिट्री में भी मैं डेप्यूटेशन पे गया था सैम राइफल्स के साथ, चाहे फोर्सेस हो, वर्दी वाले जो भी होते हैं, वर्दी वाले हैं, सरहद को गाड़े हुए हैं, को गार्ड कर रखा है भाई, तो फौजी सरहद पे हैं, इसलिए लोग चैन से सो पाते हैं, ये बात फैक्ट है। ये अक्सर लोग इसको बहुत ग्रांटेड में ले जाते हैं। भाई आप ये बताइए, एक मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं हर एक को समझने के लिए। आप रात को घर में सोते हैं, आप कुंडिया लगा देते हैं, खिड़कियां चेक करते हैं, हो सकता है कुछ लोग तो पलंग के नीचे अलमारी में भी देखते हैं, सोचते हैं, फिर सोते हैं रात को, ठीक है, कि कोई जानवर वानवर तो नहीं घुसाया कुछ आया, अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी हिफाजत के लिए। कई लोग तो बाहर गार्ड होता है, ठीक है, यहाँ पे आपके मुल्क की सरहद को दूर दराज इलाकों में, बर्फीले चट्टानों में, जहां पे इंसान को मुश्किल से छुट्टी मिले, कई बार तो मुश्किल छुट्टी भी नहीं मिलती, कई बार खाना हो सकता है कि कोई गर्म ना मिला हो सकता है, अक्सर मैं दिखाया है अनुमान तौर पे आर्मी माचिस मॉर्निंग स्टमक, हमें खाना गर्म ही होता है हमेशा, और हम खाना गर्म खाना मिलता है हमको, फिर भी बिना कोई शिकायत करे, बिना कोई चूक करे, वहां पे रहते हैं, लोगों की हिफाजत करते हैं, और हमें फख्र है इस बात की, कोई अलग से कुछ काम नहीं करते हैं, हमें हमने कुछ नहीं रिवॉर्ड रिकग्निशन मांगा उसके लिए, ये हमारी ड्यूटी है, हम करेंगे। लेकिन बाकी सिविल जनता को भी मालूम होना चाहिए कि फौजी हैं, फौजियों की इज्जत करें,
केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को जय हिंद और झंडे लगाएंगे। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, लगाइए। वैसा ही 365 डेज अयर होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। जी बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, और सचमुच देशभक्ति का जज्बा ऐसा जाग जाता है जब भी हम आप लोगों से बात करते हैं। और आज का दिन बहुत खास है, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आपने हमारी ऑडियंस को दिए हैं जो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। एक बार फिर से आप दोनों को भी हमारी तरफ से जय हिंद, और पूरे देश को हमारी तरफ से जय हिंद, और गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।